करना है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वो है, पूरब बनाम पश्चिम, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय क्या है, किससे है, यानी कि इसका जो है पूरब बनाम पश्चिम जो है पदबंध है उसका किससे जो है वो संबंध है, तो शीत युद्ध से, ध्यान रखना शीत युद्ध से, क्योंकि जो है पूरब साइड में जो है वो यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस पड़ता है और पश्चिम साइड जो है वो पड़ता है आपका यूएसए, इसलिए इसको बोलते हैं पूरब बनाम पश्चिम, ये रिलेटेड है शीत युद्ध से। आगे सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया, तो ध्यान रखना है वारसा संधि या वारसा पैक्ट, ये सोवियत संघ का था, जबकि नाटो किसका था, अमेरिका का था। नेक्स्ट है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया, तो समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किया गया था जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, ठीक है, ये बिहार समाजवादी पार्टी के बारे में बोला जा रहा है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक यानी कि रखवाला कौन है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय, अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं हो तो हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना कब बना, तो ध्यान रखना 3 जून 1947 को बना था माउंट बेटन योजना। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग की जो चर्चा है वो है 280 यानी कि अनुच्छेद नंबर 280 में, अनुच्छेद नंबर 284 में चुनाव आयोग की के बारे में दिया हुआ है। अगला जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ध्यान रखना नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है प्रधानमंत्री, ध्यान रखना नीति आयोग को बनाया गया 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग को 2014 को ख़त्म करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 में। नीति NITI नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1951 से शुरुआत हुई थी, 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना था, उसके बाद 56 से था 61 तक दूसरा, फिर 66 तक दूसरा था, 62 से 67 तक दूसरा तीसरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो यूएनओ के चार्टर में जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि टोटल 111 धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की, तो ध्यान रखना नई आर्थिक नीति जिसमें लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी वो था नरसिम्हा राव, यानी कि उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे 1991 में वो थे नरसिम्हा राव, और उस टाइम जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह, ध्यान रखना है प्रधानमंत्री कौन थे नरसिम्हा राव। आगे है श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड, इसी को बोलते हैं श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से, श्वेत दूध होता है इसलिए दूध उत्पादन से कौन है और श्वेत क्रांति, जबकि पीली क्रांति का संबंध है जो है वो तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो अभी जो है वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखना है, और राज्य की बात करें तो टोटल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री या फिर जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई, 1977 में ये मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन यानी यूएसएसआर जो है वो 15 देशों में टूट गया कब, 1991 में 1991 में सोवियत संघ जो है वो 15 देशों में टूट गया, उसी को बोलते हैं सोवियत संघ का विघटन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, प्रथम एशियाई महासचिव बोल रहा है तो एशियाई थे यू थांट, और अगर पहला महासचिव बोलेगा तो त्रिगवेली, ठीक है, क्योंकि प्रथम एशियाई बोल रहा है इसलिए यूथांट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वह निम्न में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, तो ये तीनों जो शक्तियों का विभाजन हुआ है पंचायत के रूप में राज्य के रूप में, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है, न्याय पर किसी का भी दबाव नहीं है न्यायपालिका पर, संविधान जो है सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है यानी कि हम लोगों को सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है इसलिए हम लोग एकल नागरिकता वाला है, राज्य का हम लोग को नागरिकता नहीं मिलता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। तो 50% जो आरक्षण दिया गया था वो कहाँ पे दिया गया था, तो बिहार में। सबसे पहले बिहार में जो है पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। 26 जनवरी जो है 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान, जबकि बनकर तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में ही बनकर के हमारा संविधान तैयार हो गया था। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में पारित किया गया था। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया था, तो पंजाब में। ध्यान रखना है पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों से लड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह या फिर संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी या बसपा या बीएसपी इसी को बोलते हैं शॉर्ट में इंग्लिश में, का संस्थापक कौन थे, तो कांशीराम थे बसपा के संस्थापक। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया, तो दो ध्रुवीय विश्व जो है जो शीत युद्ध का दौर था, तो पूर्वी गठबंधन, तो पूरब साइड कौन था, USSR, जबकि पश्चिम साइड कौन था, USA, तो सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह होता है आपका 1973 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1973। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय यानी कि सबसे बड़ा न्यायालय कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा देश दक्ष एशिया यानी कि सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो सार्क का सदस्य देश कौन कौन नहीं है, तो सार्क का पहले हम लोग सदस्य देश देख लेते हैं, मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। जबकि यहाँ भारत भी आ रहा है, मालदीव भी आ रहा है, भूटान भी आ रहा है, लेकिन चीन सार्क का जो है वो सदस्य देश नहीं है, निदक्षेस का सदस्य देश नहीं है। नहीं, जो क्वेश्चन हमने लिखित में ऐसे कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य नहीं है वो कौन है, तो भारत। भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता नहीं मिली, जबकि इन 5 देशों को मिली है, जिसमें फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका। नहीं, जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ध्यान रखना राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला लिखा, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सैयद फजल अली थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा था, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम जो है उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, या प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार पुरुष थे। भारत का बिस्मार्क भी सरदार पुरुष को कहा जाता है। भारतीय संविधान के पिता जो है डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का है, साथ ही साथ लिखित संविधान भी है। अगला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो किया वो किया पीसी महलनोबिस। अगला जो है वो है नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग को भंग करके। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो चिपको आंदोलन के संस्थापक थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से, और जो कि उत्तराखंड जो कि उस टाइम यूपी का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है, तो उत्तराखंड से शुरू हुई थी। अगर उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं रहे तो आपका हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और उसके उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुई थी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में।
नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, ध्यान रखना है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? सरपंच, ठीक है। आगे, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 जो है वो 45 में गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा में, 1945, जिसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। और उसके बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी में, जिसका नाम था फैट मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ, 1952। पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 में हुआ, भारत और चीन के बीच। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आप तैयार कर लीजिएगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट जो है वो, मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग की? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की 1940 में। यहाँ एक भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। स्वतंत्र पार्टी के नेता जो है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी थे, क्या मुंशी भी थे, एन जी रंगा और मीनू मरसानी भी थे, इसलिए इनमें से सभी राइट आंसर होगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? तो सबसे ज़्यादा लाभ जो हुआ था वो गेहूँ में हुआ था, और सबसे ज़्यादा जो हानि हुआ वो चावल में हुआ। छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ छात्र आंदोलन। आगे है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी स्थापना जो हुई 6 अप्रैल 1980 को हुई बीजेपी की स्थापना। अगला जो, भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून बना था 1985 में, राजीव गांधी के टाइम, राजीव गांधी के समय में, ठीक है। आगे जो है, अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है वो मानव अधिकार की रक्षा से है, मानव अधिकार की रक्षा से, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का जो है तीसरा और लास्ट सेट को भी हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आपको जो, आप बिल्कुल 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर सेट देख लीजिए और आप बेफिक्र एग्ज़ाम दे दीजिए। ऑब्जेक्टिव तो सारा पूछेगा ही, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी इन्हीं में से आएगा। तो चलिए, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का सेट देखेंगे 3। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।